हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे प्रिपेयरिंग PL HIV फॉर ARTI। ARTI देने के लिए हम PL HIV को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए पहले हमको उनका जो देखना पड़ेगा कि गोल्स ऑफ ARTI क्या है। तो गोल्स ऑफ ARTI में क्या है, क्लिनिकल गोल्स है उसमें। क्लिनिकल गोल्स माने जब हम देते हैं तो क्लिनिकली हम पेशेंट को जज करते हैं कि उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। और ये क्लिनिकल गोल्स से क्या होता है, उसका सर्वाइकल लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है। और दूसरा वीरोलॉजिकल गोल्स में क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ जब हम वायरल लोड करते हैं तो वो सप्रेस आता है। तीसरा इम्यूनोलॉजिकल गोल्स में क्या होता है, ह्यूमन रिकॉन्स्टिट्यूशंस है वो जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं। मीन्स जब CD4 काउंट हम करते हैं तो वो सही आता है। CD4 काउंट इम्यूनोलॉजिकली जज होता है। और थेरापिटिक गोल्स में क्या होता है, जब हम उनको ERT चालू कर देंगे तो ERT का मीन्स वो जो ड्रग्स है HIV के, तो उसका इफेक्ट बराबर होता है कि नहीं वो देखते हैं, वो सही डोज है कि नहीं वो देखते हैं, और उनका ट्रीटमेंट कैसा है। उनके बच्चे होंगे तो बच्चों का, लेकिन अभी हम PL HIV पेशेंट देखते हैं तो उसमें बच्चे भी आते हैं, एडल्ट्स भी आते हैं, तो उनके बॉडी वेट के अनुसार अगर हम दवा देंगे तो उनको लागू पड़ेगी, उसको ड्रग रिएक्शन तो नहीं ना आते, ये देखेंगे। और पाँचवा जो है वो एपिडेमियोलॉजिकली और प्रिवेंटिव गोल्स कैसे अचीव करते हैं, ये है। मीन्स अगर उनका वायरल लोड ए हुआ सप्रेस तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो ये गोल्स है, एक पहला गोल्स क्लिनिकल है, दूसरा वीरोलॉजिकल गोल, तीसरा इम्यूनोलॉजिकल, चौथा गोल जो यह है वो अपना एपिडेमियोलॉजिकल है, थेरापिटिक गोल है और एपिडेमियोलॉजिकल गोल है। अभी बेनिफिट्स ऑफ, हम हमेशा बोलते कि अर्ली ERT देना चाहिए, अर्ली ERT देना चाहिए, तो उसका गोल्स क्या है और इसका ज़रूरत क्या है अर्ली ERT देने का। तो उसमें अगर बेनिफिट्स है इसलिए तो हम वो देते हैं। तो एक तो बेनिफिट्स क्या है, वो टी सेल एक्टिवेशन जो होता है, उसका इन्फ्लेमेशन जो टी सेल का होता है वो कम होता है। और जो HIV के जो वायरसेस है, HIV एक वायरस ही है, तो रिप्लिकेशंस कम होता है और उससे क्या होता है, मॉर्टेलिटी में रिडक्शंस आता है। रिडक्शंस मॉर्टेलिटी माने उनका जो ज़िंदगी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा आगे जाने के चांसेस कम होते हैं, मीन्स कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और वो लाइफ स्पैन उनका बढ़ जाता है। और मोर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। तो ये अर्ली ए करने से क्या होता है, वो रिप्लिकेशन कम होता है और बाकी सब धीरे धीरे मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी भी कम होती है और आगे एड्स होने के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो ये हुआ बेनिफिट्स ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अभी वो वाय हम देते हैं, क्यों अर्ली डायग्नोसिस का इनिशियन ये, तो वो जो है बच्चों में, तो उनका रिसर्च स्टडी भी ऐसे आया है कि अगर ये जल्दी चालू करेंगे तो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम हो जाता है उसमें HIV पेशेंट में, और वो अच्छे लगते हैं और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है। और आगे जाके जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है वो कम होते हैं और TB भी कम होता है। और बाद में क्या होता है, लेकिन तो भी पेशेंट हमसे पूछते हैं, मैडम लेकिन हम क्यों ले, इतना लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत क्या है। तो है लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत, क्योंकि ये वायरस है और उसका इरेडिकेशन मीन्स उसका नायनाट अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। ये जो दवा हम देते हैं वो सिर्फ वो जो उसमें वायरस है वो मलूल हो जाते हैं और डॉर्मेंट कंडीशंस में रहते हैं। और मैंने बोला था कि ये प्लाज्मा RNA के बिलो रिजर्वायर मीन्स उसका अंदर वो स्लिप हो जाते हैं वायरसेस, और एक दिन भी अगर गोली हमने नहीं खाई
तो वो फिर रिप्लिकेट हो जाते हैं। और मैंने लाइफ साइकिल में बताया था कि विद इन 2 डेज वो वायरस ब्रेन में भी जाते हैं, टी सेल में भी जाते हैं, मैक्रोफेजेस में भी जाते हैं और टिश्यू कंपार्टमेंट लाइक गट में भी जाते हैं। तो ये इसमें जाके वो स्टेबल होते हैं, और जब हम गोली नहीं देते तो फिर वो ऊपर ये होते हैं, इसलिए उनको लाइफ लॉन्ग देने की ज़रूरत है। अभी लाइफ लॉन्ग देने के बाद मैंने पहले इसके पहले आपको बोला था कि उनको हम लाइफ लॉन्ग एआरटी के लिए प्रिपेयर करते हो। लास्ट सेशन में हमने बोला कि उसका क्लिनिकल इवैल्यूएशन भी करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं, फिर लैब इवैल्यूएशन करते हैं, बेसलाइन सर्वे करते हैं, उसका बेसलाइन जो लैब इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं, बाद में साइको सोशल काउंसिलिंग भी हम करते हैं, और केयर गिवर और उनको उनके बारे में बताते हैं, और ट्रीटमेंट अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होए तो ट्रीटमेंट का भी बंदोबस्त करते हैं। और ये सब हो जाने के बाद हम पेशेंट को सब बराबर ईच एंड एवरी स्टेप में फॉलोअप करते हैं। उनका फॉलोअप लेने के बाद वो 4x स्क्रीनिंग भी करते हैं, रिव्यू करते हैं उनका सिम्टम्स का, किसी शरीर में स्वेलिंग्स तो नहीं है ना, लिम्फ नोड्स तो नहीं है ना, एआरटी हिस्ट्री भी पूछते हैं, वैक्सीनेशन टेकन और नॉट वो भी पूछते हैं। और ये जो है सब सिस्टमैटिक क्लिनिकल एग्जाम वो फॉलोअप में फिर से मैं बताऊंगी, लेकिन आज के दिन पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके गोल्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है अर्ली स्टार्ट करने के लिए, और वो अर्ली एआरटी का ज़रूरत क्या है, और वो लाइफ लॉन्ग क्यों लेने का है, ये हमने आज देखा। तो व्यूअर्स, आज के दिन इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।